अभी 5:30 हो रहे हैं और मैं अभी रनिंग करने के लिए निकल रहा हूँ और ज़्यादा सवेरा भी नहीं हुआ है, पूरा अंधकार हो गया है। ये देखो कैमरा का जो क्वालिटी है बहुत ख़राब है और यह मैं ठंडी तो अभी गिर रहा है, मतलब ओस वगैरह सब गिर रहा है। और ये जो मेरे पीछे में जो है ये राजबाड़ी, ठीक है, राजबाड़ी है। और मेरा भी गला बैठ गया था कुछ दिन पहले और चलते हैं आगे जाके देखते क्या क्या है। मैं पीछे का जो बैक कैमरा है उसे से दिखाता हूँ बैक कैमरा का पोजीशन और देखते हैं कैसे नज़ारा रहता है। चले ये है अभी पैदल पैदल जा। और देखो यहाँ पे भी जो दूर दूर से दिखाई दे रहा है ना वो ओस गिर रहा है अभी, ठीक है, ओस गिर रहा है। तो ओस गिरने का कारण जो है दूर वाला जो एरिया रहता है वो, और वो जो तालाब है अंदर बहुत बड़ा तालाब है भाई, ये पूरा अंदर में बहुत बड़ा तालाब है, ठीक है। और आगे में जाके चलते हेलीपैड में जाके चलते हेलीपैड दिखाते हैं, हेलीपैड जहाँ पे और जो हेलीकॉप्टर जो उतरते लैंड करते हैं वही वाला पोजीशन दिखाते हैं। चल और ये पूरा आउट ऑफ एरिया ये है नज़रा, मतलब ये है रास्ता का सिचुएशन। अभी किस जो मैं अभी जा रहा हूँ जो गर्ल्स विंग विंग कॉलेज रहता है जो झाड़ग्राम राज कॉलेज गर्ल्स, तो ये है झाड़ग्राम राज कॉलेज गर्ल्स का जो है ये राइट लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है ये, ठीक है। और ये मैं पैदल पैदल जा रहा हूँ और वो जो आगे में जो बिल्डिंग दिख रही है वो बॉयज़ कॉलेज है और वो आंटी आ रहे पैदल पैदल, एक आंटी आ रहा था दिखाई दिया भाई। आंटी लोग एक्सरसाइज करते हैं और ये जो है इसमें मतलब अंदर में इतना मतलब सरकारी जो घर रहता है भाई, मतलब कोई भी ऐसे मतलब फालतू बेफालतू बना तो दिया लेकिन कभी कभी बीच बीच में काम आता है, इसको साफ सुथरा भी नहीं होता। देख लो कितना जंगल हो गया, जंगल के कारण वो बिल्डिंग का ये है, बिल्डिंग का कितना मतलब गवर्नमेंट का मतलब फोकट का पैसा रहता है। और ये देख रहे साफ सुथरा नहीं रहता है, कोई भी देखभाल नहीं कर रहा। अरे वो एक भाई जो है दौड़ रहा है रनिंग कर रहा है और वो जो आगे में दिखा रही है पूरा झाड़ग्राम और बाबूट एरिया, तो ये झाड़ग्राम ये जो मैं अभी यहाँ पे हूँ ये वाला जो हेलीपैड है वहाँ पे हेलीपैड उतरता है वो वाला, ठीक है। और ये नया कॉटेज बन रहा है अभी ओल्ड झाड़ग्राम, और मैं बोला हूँ ये जो रहता है इसको कांटावाड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, कांटावाड़ी, ठीक है, कांटावाड़ी जो बॉयज़ कॉलेज के पीछे में जो है या ये टूरिस्ट रिसोर्ट बना रहे हैं इसको, ठीक है। और मैं दिखा देता हूँ ये है झाड़ग्राम का आउट ऑफ एरिया, ये
और यहाँ पे जो है हेलीपैड उतरता है वो देखो, हेलीपैड लैंड होता है, हेलीपैड उतरता है, लेकिन वहाँ पे ये एज करके जो है बीच में, उसी का बीच में जो है हेलीपैड उतरता है। और वो जो उस तरफ दिखाई दे रहा है वो है पूरा साल जंगल, ठीक है। चलते ऊपर में जाके उठते हैं। अब मैं जा रहा हूँ जो एकलव्य, जो जिसको नाम से प्रसिद्ध रहता है ना एकलव्य आश्रम, तो उस साइड में है। ये जो मैं अंगुली उंगली जो दिखाई दे रहे उस साइड में है, और जो ये वाला जो रास्ता जा रहे हैं इसमें से सीधा उठेंगे, ठीक है। सीधा उठेंगे और देखो कितना भाई ओस गिरा है, बहुत ओस गिरा है, ठीक है। मेरा ये देखो शूज जो वो गीला हो रहा है धीरे धीरे से, ठीक है। और ठंडी भी गिर गया, ठंडी भी पड़ रहा है, लेकिन ठंडी में जो है भाई घी घी खा कर के भाई एक्सरसाइज करो, और मैं जो बोलूँगा भाई उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। और ये जो है कॉटेज बन रहा है, रिशाट रिशाट धुंधला टाइप का है। और ये पूरा मैं पीछे का सिचुएशन है, और बस, और ये पूरा झाड़गांव का आउट एरिया दिखा नहीं देंगे। अच्छा चलते एक्सरसाइज करते जाकर, तो रनिंग करते, और आप लोग भी करिए उठ करके, ठीक है। और बाकी बाद में बताएंगे, ठीक है, ब्लॉग करेंगे इसमें मतलब टाइम ख़त्म हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा टाइम, ठीक है। टाइम को वेस्ट ना करते आगे बढ़ते। और अभी करीब 6:11 हो रहे हैं, और ये है सूरज निकल चुका है। गांव का तरफ अभी भी ओस है। मैं भी थक गया हूँ एक्सरसाइज करके, और एक्सरसाइज करोगे आपको जो पॉजिटिव जो एनर्जी मिलता है बहुत तगड़ा रहता है, तो बहुत बढ़िया रहता है वो पॉजिटिव एनर्जी। और जो आपको सवेरे में जो धूप जो आपके शरीर में पड़ता है विटामिन डी, वो आपका शरीर में फ़ायदा रहता है, ठीक है। और जिन लोग सो सो करके सोचते वज़न घटा लेंगे, दवाई खाएंगे, तुम्हारे जैसे दवाई खाओगे ना वैसे और तुम्हारा बीमारी बढ़ेगा, घटेगा थोड़ी ना, बीमारी बढ़ेगा, ठीक है। जो नेचुरली जो होता है ना, थोड़ा उठो हट, पहले पैदल चलो 1-2 हफ्ते पैदल चलो, फिर 1 हफ्ते, फिर 1-2 हफ्ते, फिर दौड़ो धीरे धीरे से भाई, स्टेप बाय स्टेप होता है, जैसे 1 क्लास से लेके 10 क्लास तक, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। अब एक ही बार में थोड़ी ना छलांग लोगे, जैसे 1 में हूँ 5 में चला जाऊँ, फिर 5 से लेके 8 में चला जाऊँ, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। तो आज चलेंगे जंगल में, देखते हैं जो मशरूम बोलते हैं बंगाली में, जो बोलते हैं छातू कारण छातू,
जो कड़न छातु मिलेगा तो उसी का आज वीडियो बनाएंगे, और जिन लोग को भी मिलेगा मैं उनका भी बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी मतलब रोड पूरा खाली है, इस तरफ पूरा रोड खाली है, गांव तरफ पूरा रोड खाली है, और खाली भी है वैसे नहीं है, गाड़ी थोड़ा धीरे देख करके भी चलना चाहिए, ठीक है, कोई आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। और ये जो है गांव का पूरा लग रहा है, और बच्चे लोग अभी स्कूल जा रहे हैं मॉर्निंग से, जो KKI कमल कुमार इंस्टीट्यूशन हमारा झाड़ग्राम में फेमस स्कूल है, ठीक है, KKI, ठीक है, तो बहुत फेमस स्कूल है KKI। और जो कभी कभी बोलते हैं सभी लोग जो बोलते हैं नहीं स्कूल वो स्कूल ख़राब है, ये स्कूल ख़राब है, मैं देखो जितना भी सीनियर जो बैच में रहते हैं 1 से लेकर 12 तक, कभी भी जो रहता है स्कूल का भी ख़राब नहीं होता है, ख़राब होता है, देखो ख़राब बनने से क्या होता है, वो आपका मानसिकता ऊपर डिपेंड करता है, और आपका सोच के ऊपर डिपेंड करता है। कोई कोई बच्चे का स्टूडेंट लोग का सोच अलग होता है, कोई कोई टीचर लोगों का सोच अलग रहता है, सबका एक एक माइंड नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है स्कूल काफ़ी ख़राब नहीं होता है, स्कूल अपने जगह में रहते हैं, लेकिन वहाँ का जो स्टूडेंट रहता है और बाकी जो टीचर रहते हैं उनका ऊपर डिपेंड करता है, स्कूल को कैसे चलाना है, स्कूल को कैसे रखना है, स्कूल को कैसे साफ सुथरा करवाना है, स्कूल को कैसे मेंटेनेंस करवाना है, ठीक है। देखो तो गुरु जो रहता है ना, गुरु जैसे पहले बोलते नहीं गुरुकुल जाते थे पढ़ने के लिए, ठीक है, तो वही है गुरु। चलते आज जंगल में, मिलता छे या नहीं मिलता है। फाइनली ये छतरी मिल ही गया, जंगल में घुसे थे, और ये इसको देखो झाड़ग्राम का जंगल में भी है, ठीक है, ये बहुत सारा है, ये है और इसका जो अभी इसको बनाएंगे, इसको अभी बनाएंगे, बहुत सारा मिला है ये इसको काड़न छातु बोलते हैं, काड़न छातु, तो अब इसको डालते हैं ब्लॉग में, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा।